हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट कनिशा। क्या दोस्तों, आपकी हथेली पर है विष्णु चिन्ह? जाने ये हाथ में कैसे बनता है और इसका प्रभाव क्या होता है? दोस्तों, हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली पर बनने वाले चिन्हों से हमारे जीवन में कई राज खुलते हैं। हथेली पर बनने वाले कई चिन्हों में से एक है विष्णु चिन्ह। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि निशान ये आपके निशान हथेली में बनता है, यानी कि विष्णु चिन्ह आपके हथेली पर बनता है तो इसका आपके जीवन पर क्या असर देखने को मिलता है। चलिए जानते दोस्तों, बिना टाइम गवाए जानते हैं ये चिन्ह यदि आपके हथेली पर होता है तो इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। दोस्तों, हथेली की तर्जनी उंगली के ठीक नीचे होता है गुरु पर्वत। इस पर्वत पर अंग्रेजी के वी अक्षर की तरह आकृति आपको दिखाई देती है, तो दोस्तों इसे विष्णु चिन्ह कहा जाता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की हथेली पर यह चिन्ह बनता है उन पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरसती है। ऐसे लोगों के जीवन में कई शुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि विष्णु चिन्ह आपके जीवन पर क्या असर डालता है। दोस्तों, जिन लोगों की हथेली पर विष्णु चिन्ह बनता हो उनको आकर्षक और समझदार माना जाता है। ऐसे लोग अपने कार्य में समाज में अच्छे बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। कला के क्षेत्र में इनको सफलता प्राप्त होती है। इसके साथ ही कला के क्षेत्र में ये अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों, इन लोगों के विरोधी बहुत कम होते हैं और अगर कोई इनसे बैर भी रखता है तो उसे भी ये अपने दोस्तों में से एक बनाने की काबिलियत रखते हैं। जी हाँ, धार्मिक गतिविधियों में इन लोगों की विशेष रुचि होती है। भगवान विष्णु की कृपा ये आध्यात्मिक क्षेत्र में भी सफल हो जाते हैं। दोस्तों, विष्णु चिन्ह हथेली पर होने से देव गुरु बृहस्पति की कृपा आपको प्राप्त होती है। इसके प्रभाव से आपके पारिवारिक जीवन सुखद रहता है। घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। ऐसे लोग अपने साथ साथ अन्य लोगों का भला करने के माने जाते हैं। दोस्तों, हथेली में विष्णु चिन्ह जितना स्पष्ट और साफ होगा उतना ही इसका असर भी बढ़ जाएगा। हालांकि अगर ये चिन्ह कटा हुआ हो या अस्पष्ट हो तो इसके प्रभाव में कमी आ सकती है। विष्णु चिन्ह बहुत ही पवित्र माना जाता है। अगर आपकी हथेली पर यह चिन्ह है तो भगवान विष्णु जी की कृपा आपको बरसती है। जी हाँ दोस्तों, भगवान विष्णु के साथ महालक्ष्मी की कृपा भी बरसती है। हालांकि कुछ सावधानियां आपके जीवन में बरतनी चाहिए, तभी आपको इससे फल पूर्णता मिलेगा। अगर हाथ में विष्णु चिन्ह है तो गलती से भी मांसाहार और शराब का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, इससे विष्णु चिन्ह का प्रभाव खत्म हो सकता है। दोस्तों, अगर ऐसे लोग अत्यधिक वासना जनित विचारों से घिरे रहते हैं तो प्रभु कृपा इन्हें प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों, ये बात अवश्य ध्यान रखें, अगर ऐसे लोग सात्विक जीवन जीते हैं तो धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो इन्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, यदि आपकी हथेली पर यह चिन्ह है तो भगवान का शुक्रिया अदा जरूर मानेगा और दोस्तों मन ही मन 11 बार ओम श्री विष्णुवे नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करें। दोस्तों, इससे भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न होंगे और कुछ नियमों का पालन करते हैं तो भगवान विष्णु के साथ महालक्ष्मी भी प्रसन्न होगी और आपकी हर एक मन की इच्छा तुरंत पूर्ण होगी। तो दोस्तों, ये बात अवश्य ध्यान रखिए और इस नियम का पालन जरूर करिए। दोस्तों, आपकी वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में जय श्री विष्णु नमः, जय श्री महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।